जब आप इंस्टाग्राम और पिनिंट्रस्ट को स्क्रॉल करते हो और वहाँ पे एक डिज़ाइन स्टाइल दिखता है आपको, एक फ़ोटोग्राफ दिखती है किसी डिज़ाइन की, और आप चाहते हो आपके रूम में भी बिल्कुल वैसा ही बन जाए, और उसके लिए आप कारपेंटर के पास जाते हो, उसे बोलते हो ऐसा बना दो, और वो अपनी तरफ से बना भी देगा, लेकिन वो वैसा लगने वाला नहीं है। कुछ 5 स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट पा सकते हो जैसा आपको पिनिंट्रस्ट पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, या कहीं भी आपने फोटोग्राफ देखी है, तो वैसे ही सिमिलर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप इन 5 स्टेप्स को ध्यान रखते हो। तो नंबर 1 होता है डिज़ाइन स्टाइल चूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक अच्छा लगा और ये चूज़ कर लिया और ये बनवा लिया। ऐसा आप कर सकते हो अगर आपका बिल्कुल ही रॉ कमरा है, कुछ भी अभी हुआ हुआ नहीं है, बिल्कुल नया है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेंट है वहाँ पे, वहाँ एक फर्नीचर है, और आप एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ ढूंढोगे उसके लिए जो वहाँ पे जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए आपने एक मॉडर्न से रूम में एक ट्रेडिशनल सा सोफ़ा ला के रख दिया और आप कह रहे हो अच्छा लग रहा है। कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगता है। कभी भी कोई एक फर्नीचर पीस की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। अगर वो पूरे कॉम्बिनेशन में फिट बैठ रहा है तो ही वो अच्छा लगने वाला है, अदरवाइज़ वो आपके सारे रूम के डिज़ाइन को, एस्थेटिक्स को ख़राब कर देता है। इसीलिए वाइजली चूज़ करो डिज़ाइन स्टाइल। स्टेप नंबर 2 है, आपके जो भी आपने फाइनलाइज़ की पिक्चर, जैसा भी आप चाहते हो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। कभी भी सेम टू सेम 99% काम नहीं करता है। जो मेरे लिए फर्नीचर पीस काम कर रहा है वो मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है ताकि मेरा फंक्शन पूरा हो सके। मान लो आपको ड्रॉअर में बॉक्सेस रखने हैं जिनकी हाइट इतनी है, और उस टेबल में जो हाइट थी ड्रॉअर की वो इतनी थी, तो वो अंदर ही नहीं जाएंगे, तो आपके लिए वो फंक्शन पूरा ही नहीं होगा। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है उस फर्नीचर पीस का, या उस बेडरूम का, लिविंग रूम का, उस हिसाब से ही उसे डिज़ाइन करना चाहिए। नंबर 3 इज़ मटेरियल्स के बारे में जानो जो उस फर्नीचर पीस में या उस रूम में यूज़ होने वाले हैं। देखो, 2 तरीके के मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं कोर मटेरियल्स जिससे आपका फर्नीचर पीस बनता है, और एक होते हैं वो मटेरियल्स जो दिखाई देते हैं ऊपर से। जैसे प्लाईवुड के ऊपर सनमाइका लगता है तो सनमाइका दिखाई देता है आपको, लेकिन प्लाईवुड जो है वो एक्चुअल में मटेरियल होता है जिसकी वजह से लाइफ बनती है। अगर आप एस्थेटिक्स की बात करो तो बहुत सारी फिनिशेज अवेलेबल हैं मार्केट में। पेंट्स की भी इतनी वेराइटी है, जैसे फर्नीचर पे पेंट कर रहे हो, दीवार पे पेंट कर रहे हो, तो एक ही कलर का पेंट डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी में अलग अलग फिनिश देता है। इनफैक्ट एक ही कलर का पेंट, एक ही वेराइटी का पेंट, क्वालिटी भी सेम है, एक ही डब्बे में से निकाला हुआ, 2 जगह अगर आप पेंट कर रहे हो, एक कमरे के अंदर कर रहे हो, एक कमरे के बाहर कर रहे हो, तो वहाँ पे भी फिनिशिंग का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वहाँ लाइटिंग चेंज हो जाती है। मे बी बाहर हल्की सी सनलाइट आ रही थी, अंदर नहीं आ रही थी, फिनिशिंग चेंज। तो आपको सैंपल्स लगवा के देखने चाहिए अपने रूम में कि जैसा आपने सोचा है वैसा वो पेंट है भी सही, कि लग भी रहा है कि नहीं वहाँ पे जहाँ आप करवाना चाहते हो। हो सकता है बाहर वो वैसा ही लग रहा हो, अंदर ना लग रहा हो, तो आपको वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पेंट का कलर भी, पेंट की मे बी क्वालिटी भी। जैसे पेंट भी अलग अलग शीन में आते हैं, हल्का शाइन होता है किसी में, वो बेडरूम्स के लिए अच्छे होते हैं। अगर किचन वगैरह में करवाने चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा शाइनिंग रखते हैं ताकि वो इजी टू क्लीन हो जाए। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मटेरियल्स के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आपकी कोई ड्रॉअर है उसके ऊपर आप पेंट करवाना चाहते हो तो उसमें भी बहुत सारी पेंट की क्वालिटीज़ हैं। जैसे PU पेंट काफ़ी प्रीमियम रेंज का पेंट होता है, बहुत ही ईजी टू क्लीन होता है, एज वेल एज लाइफ लंबी है, और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है इतना अच्छा लेने का, तो लो क्वालिटी में भी पेंट्स आते हैं, उनकी भी फिनिशिंग ठीक होती है, ऐसा नहीं है बुरी होती है, डिसेंट फिनिशिंग होती है। जैसे सैटिन पेंट है, इनेमल पेंट की एक वैरायटी आती है जिसमें शाइनिंग थोड़ी कम होती है, उसे सैटिन पेंट कहते हैं। इनेमल पेंट्स लोहे पे या लकड़ पे लगाने हो तो वहाँ यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब आप कोई फर्नीचर पीस का डिज़ाइन बनवा रहे हो तो वहाँ पे हार्डवेयर का बहुत मेन रोल आता है। जैसे जब आप ड्रॉअर खोलोगे तो चैनल्स होते हैं वहाँ पे, वो भी काफ़ी तरीके के आते हैं। जैसे कुछ होते हैं सिंपल चैनल्स हैं जो नॉर्मली दिखते हैं आपको, कुछ होते हैं सॉफ्ट क्लोज हैं, जब आप धक्के से भी उसको बंद करोगे तो वो आराम से बंद होगा, ऐसे आवाज़ नहीं आएगी बंद होते हुए ठक, वो वाली आवाज़ नहीं आती सॉफ्ट क्लोज में। और एक होते हैं पुश टू ओपन, जैसे आप कोई हैंडल नहीं चाहते हो अपनी ड्रॉअर के ऊपर। इनफैक्ट हैंडल्स भी कैसे चूज़ करते हैं ये भी अपने आप में हार्डवेयर पे होता है कि ओवरऑल स्टाइल कैसा है आपके रूम का, उसी हिसाब से हैंडल्स चूज़ किए जाते हैं। बट अगर आप स्लीक डिज़ाइन चाहते हो, हैंडल्स चाहते ही नहीं हो, पुश टू ओपन टाइप के भी आते हैं कि आप दराज को सिर्फ हल्का सा दबाएंगे और वो अपने आप खुल जाएगा, ये होते हैं चैनल्स के ऊपर। जब आप कबर्ड्स वगैरह डिज़ाइन करोगे तो वहाँ जो हिंजेस लगते हैं आपके डोर को ओपन करने के लिए, वो भी अलग अलग तरीके के आते हैं, सॉफ्ट क्लोज भी आते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि कैसा आप सामने से लुक चाहते हो, वहाँ पे भी हिंजेस का डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं लगाने के। अगर आप एक लुक चाहते हो उसमें सिंपल हिंजेस लग सकते हैं, और दूसरी लुक चाहते हो वहाँ पे आपको
हिंजेस की क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप वो वाले हिंजेस यहाँ लगाओगे तो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा कबर्ड का। इनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो पहले इनके बारे में जानो, अदरवाइज़ वो नहीं होगा जो आप बनाना चाहते हो। लास्ट स्टेप है वर्किंग ड्राइंग्स सही से बनाना। अगर आप चाहते हो कि आप कारपेंटर के सारा दिन साथ ना बैठे रहो, उसको बताते ना रहो कि भैया ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, अगर आप ये चाहते हो ना हो तो उसको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि अच्छा ये एग्जैक्ट है, यही चाहिए मुझे, ना ऊपर ना नीचे। तब आपको ड्रॉ करके देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप हैंड स्केचिंग अगर कर सकते हो तो वो भी दे सकते हो। अगर आप 3Ds बना सकते हो स्केचअप का यूज़ करके तो बहुत अच्छा है। आप छोटी मोटी मार्किंग्स भी उसमें कर सकते हो कि यहाँ पे इतनी है, ये इतना है, करा जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी है आपको, मान लो जैसे आपने जो डिज़ाइन ढूंढा था वो काफ़ी चीज़ें उसमें एक साथ हैं, तो आपको ऑटोकैड पे वहाँ पे वर्किंग ड्राइंग बना के देनी पड़ेगी जिसमें हर चीज़ की डिटेल लिखी जाती है। लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइनर नहीं हो, आपको इतना कुछ सीखना नहीं है, तो कुछ ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आप सिंपल तरीके से, इजी तरीके से आप वर्किंग ड्राइंग्स बना सकते हो। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद वर्किंग ड्राइंग भी बना देते हो तो कारपेंटर को पता है कि एग्जैक्टली क्या बनाना है, पेंटर को पता है कि कहाँ पे कौन सा पेंट करना है। अगर आप सब कुछ कर देते हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है, प्लस आपके पास एक क्लियर कट प्रूफ है कि किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो वो उनकी गलती है, क्योंकि आपने लिख कर दिया हुआ है सब कुछ, वो आपको ठीक करके देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लॉस में जाओगे। जब आप रिसेंटली इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, तो आपको पता होता है कि ये जो पिक्चर है जो मैंने देखी है इंटरनेट पे या कहीं पे भी, तो वो जो बनने वाला है वो इतने बजट में बनेगा, मेरा बजट अगर उससे मैच करता है तो बनाना चाहिए, नहीं करता है तो कितना कम है और कितना फ़र्क आने वाला है, ये सब कुछ आपको पता होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्प होने वाली है वो डिज़ाइन बनाने में जो आप बनाना चाहते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।